वीडियो चालू है भैया। अभी तो शूट कर रहा हूँ भाई, अभी एडिट करके फिर डालेंगे तो आ जाएगी एक दो दिन में, तो आप देखते रहना। तो देखा दोस्तों क्या हुआ, अभी एक मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आया और मैंने उसका रिप्लाई अपने वॉइस में किया। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा जेस्चर है, बट जिसको ये रिप्लाई मिलता है वो आपकी ये वाला जेस्चर बहुत अप्रिशिएट करता है कि आपने टाइम निकाल के उसको पर्सनली वॉइस में रिप्लाई किया और आपके एफर्ट भी कम लगते हैं। तो आपको टेक्स्ट मैसेजेस जो भी हैं, जो भी आपके पास डीएम में आता है, जो भी कोई कुछ पूछता है, आप कोशिश करो कि उसे वॉइस में रिप्लाई करो। दोस्तों इस वीडियो में आप 5 ट्रिक्स, जिसमें से कि एक मैंने आपको बता दी, 4 और मक्खन ट्रिक्स आगे आने वाली हैं, सो बने रहना वीडियो में। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 1 मैंने आपको बता दी, अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 है कि आपको थ्रेड्स यूज़ करना है व्हाट्सएप के अगेंस्ट। मतलब कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों से बात करने में, तो व्हाट्सएप अभी मत यूज़ करो, आप थ्रेड्स यूज़ करो। थ्रेड्स इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप है जो कि व्हाट्सएप की तरह ही है। देखो इंस्टाग्राम का जो डिफ़ॉल्ट डीएम है उसमें क्या है, कोई आपको डीएम करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आती है नहीं आती है, बट थ्रेड्स एकदम व्हाट्सएप की तरह चलता है। जब भी आपके फ्रेंड्स आपको डीएम करेंगे तो वो पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा। इसको क्यों यूज़ करना है दोस्तों, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि इंस्टाग्राम में जिस भी पर्सन को आप डीएम करते हो तो इंस्टाग्राम वो चीज़ रिकॉर्ड करता रहता है कि कितने लोगों से आप बात कर रहे हो, या जिस से आप बात कर रहे हो उसके पोस्ट और आपके पोस्ट उसको ज़्यादा दिखाता है। मतलब कि आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो कि आपका कोई दोस्त है जिसके पोस्ट आपको नहीं दिख रहे हो फीड में, आप उसे डीएम में थोड़ी देर बात कर लो, देखो कल से जो भी वो पहला पोस्ट डालेगा, जो भी लेटेस्ट पोस्ट डालेगा वो आपको अपनी फीड में दिखेगा। दोस्तों जो तीसरी ट्रिक है, तीसरी हैबिट जो आपको चेंज करनी है वो है हे हाय और छोटे मोटे सारे डीएम्स का रिप्लाई करना। ये क्यों करना है आपको, क्योंकि जो भी आपके पास डीएम्स आते हैं वो जनरली 3 कैटेगरी के होते हैं, या तो वो स्पैम होगा कि भाई प्रीसेट दे दो शाउट आउट दे दो, या दूसरी कैटेगरी के होंगे कि या तो वो पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। पोटेंशियल क्लाइंट्स कहने का मतलब है कि दोस्तों जैसे कि मैं भी वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ, मेरी टीम करती है, तो कई बार क्या होता है कि 60,000-70,000-80,000 की जो वेडिंग फोटोग्राफी होती है, ट्रेडिशनल वेडिंग फोटोग्राफी होती है, उसकी शुरुआत सिर्फ एक हाई डीएम से होती है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को पता नहीं कि कैसे अप्रोच करेंगे, वो प्रॉपर इंस्टाग्रामर है और कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं, तो वो आपको स्टार्ट करता है बात करना हाई से। और अगर आप हे हाय इस टाइप के डीएम्स अगर आप इग्नोर करते जाओगे तो हो सकता है कि आपके पास एक पेड अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए। जो तीसरे टाइप के डीएम होते हैं वो होते हैं जेन्युइन डाउट्स वाले। तो जिसका भी जेन्युइन डाउट है, कोई भी आपसे जेन्युइनली कोई चीज़ पूछना चाह रहा है, कोई आपसे चीज़ सीखना चाह रहा है, तो आपको उसके डाउट्स सॉल्व करने हैं। मतलब आप अगर आपके बस की है हेल्प करना तो आप जेन्युइनली हेल्प करो, दिल से हेल्प करो। ये इंस्टाग्राम ट्रिक या इसकी वजह से नहीं है, आप अपनी हैबिट में अगर ये चेंज लेके आओगे तो सामने वाला बहुत अप्रिशिएट करता है। आप जिसकी हेल्प करते हो सकता है आपको ना याद रहे, लेकिन जिस बंदे की हेल्प होती है वो आपको हमेशा याद रखेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे एक एडिटिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें अगर आप पार्ट लेते हो तो आपको मेरे दोनों अकाउंट पे pankaj.jpg जो 42K का अकाउंट है, और टिप्सी अंकल जो कि 12,500 इसके फॉलोअर्स हैं, दोनों पे आपको स्टोरी मेंशन मिलेगी अगर आपके एडिटिंग स्किल्स उतने अच्छे हैं। तो इसके बारे में और जानना है तो आप प्रोफाइल की मेरी पहली हाईलाइट देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी रूल्स और फाइल्स का लिंक है। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है कि आपको लाइक और फीचर करना है आपके हैशटैग से। अगर आपका खुद का हैशटैग नहीं है तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मेरी आईडी pankaj.jpg है, तो मैंने कुछ भी उससे सिमिलर एक वर्ड स्नैप विद पंकज या फिर फीचर विद पंकज, कुछ भी आप ऐसा एक हैशटैग खुद सर्च में जाके टाइप करके देखो, अगर वहां पे कोई भी पोस्ट नहीं है मतलब उस हैशटैग को कोई नहीं यूज कर रहा, आप उसे यूज करना स्टार्ट कर लो। तो दोस्तों यही होता है हैशटैग का प्रोसेस, कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। ये वाली ट्रिक मैं ऑलरेडी हैशटैग वाली चीज़ बता चुका हूँ अपनी इस वीडियो में, जो कि था 0 to 10 के आपको कैसे ग्रो करने हैं। बहुत लोगों ने इसका पहला पार्ट देखा है लेकिन ये चीज़ दूसरे पार्ट में आती है, तो डेफिनेटली आप इसके तीनों पार्ट देखो। तो दोस्तों आपको अपना हैशटैग इंट्रोड्यूस करना है अपने लोगों में, फॉलोअर्स में, और जो भी आपके फॉलोअर्स उस हैशटैग को यूज़ करते हैं उनकी पोस्ट आप लाइक करो, उसको कमेंट करो, उनको फीचर करो, और डेफिनेटली लाइक तो ज़रूर करना। उससे क्या होगा दोस्तों कि उसको भी एक सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, क्योंकि वो आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है, तो उसको सपोर्ट मिलेगा आपको आपकी वजह से, और आपके पोस्ट पे वो भी इंगेज करेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। बढ़ते हैं पांचवा पॉइंट की तरफ। दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट कहता है बैक कमेंट। बैक कमेंट कहने का मतलब है कि हर वो कमेंट जो कि आपके नए पोस्ट पे आते हैं, हर वो कमेंट जो आपके पोस्ट पे आते हैं, आपको उसकी आईडी पे जाना है, उसके एक आध फोटो लाइक कर देनी है, कमेंट कर देना है। ऐसा क्यों करना है आपको, क्योंकि दोस्तों जो लोग कमेंट करते हैं, जिनकी हैबिट होती है कमेंट करने की, वो उनको हम इंगेजर्स कहते हैं। इंगेजर्स मतलब कि जो दूसरों के फोटोज पे इंगेज करते हैं, जो हाईली इंगेजिंग ऑडियंस होती है। तो आप किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि वो ऑडियंस आपकी
निकल जाए या वो ऑडियंस आपके पोस्ट पे एंगेज करना बंद कर दे। तो दोस्तों उस टाइप के लोग जो कि ज्यादा कमेंट करते हैं वो आपकी आईडी के ग्रोथ के लिए और आपके एंगेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जो भी आपके कमेंट्स आते हैं अगर आप उनकी आईडी पे जाके उनको भी सपोर्ट करते हो, उनको लाइक कमेंट वगैरह करते हो, उनको डीएम में उनसे बात करते हो, तो वो डेफिनेटली क्योंकि उनकी हैबिट में कमेंट करना तो आपकी फोटोज को डेफिनेटली कमेंट करेंगे और हर एक कमेंट आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट को बूस्ट करता है जिससे कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ती जाती है। तो जो भी आपको नए नए कमेंटर्स मिले हैं, जो भी आपको ऐसे लोग मिले जो कि कमेंट ज़्यादा करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा संभाल के रखना क्योंकि वो ही आपकी आईडी के एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस आती रहती है हमारे चैनल पे, तो चैनल डेफिनेटली विजिट करना अगर आपने नहीं देखा तो। और अच्छी लगी वीडियोस, कुछ नया सीखने को मिले तो सब्सक्राइब करना, उससे मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू, गुड बाय।